हेलो दोस्तों दोस्तों आप लोग पहले मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने अपने फ़ोन को किस किस चीज़ से कंट्रोल किया है? लाइक अपने हाथ से, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने अपने वॉइस से अपने फ़ोन को कंट्रोल किया या कमांड किया है? सो दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आप अपने आई से, जी हाँ दोस्तों, अपने आई से अपने फ़ोन को आप कंट्रोल कर सकते हो। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं अपना फ़ोन को अपने आई से कंट्रोल करता हूँ एंड उसी से मैं मैसेज कर पाता हूँ अपने आई से, एंड जो भी मुझे करना रहता है मैं सारा चीज़ अपने आई के थ्रू अपने फ़ोन को कमांड दे के करवा लेता हूँ। सो दोस्तों, आपको भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने आई से अपने फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हो। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। सो वीडियो को आप एंड तक जरूर से जरूर देखना। तो चले करते हैं वीडियो को फटाक से स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ए सेकंड। सो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो अपने आई से अपने फोन को कंट्रोल करने के लिए, तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि दोस्तों आपको इजीली से बिल्कुल फ्री प्ले स्टोर में देखने को मिल जाती है। एंड हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, तो यहाँ से भी आप जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो आगे मैं भी आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं अपने फ़ोन को कंट्रोल कर रहा हूँ एंड किस तरह से आप अपने फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हो। वो तो सारा कुछ मैं अभी आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो चले ले चलता हूँ मैं आपको मेरे फ़ोन के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैं किस तरह से अपने आई के थ्रू अपने कर्सर को कंट्रोल कर रहा हूँ एंड कर्सर मेरा फ़ोन को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं जिधर अपना आई को मूव करता हूँ तो उधर ऑटोमेटिक से यहाँ पे मेरा कर्सर मूव हो रहा है। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको कुछ एक टास्क करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं टेलीग्राम इसे ओपन करने की कोशिश करता हूँ। इसे ओपन करने के लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, सिंपली से आप जिस ऐप को भी ओपन करना चाहते हो तो वहाँ पर बस अपने आई को ले जाओ एंड बस उसे अपने आई को आप ब्लिंक करो। ब्लिंक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो जिस तरह से यहाँ पे मेरा टेलीग्राम मैंने ओपन किया, तो इजीली से मेरा यहाँ पे टेलीग्राम ओपन हो गया। तो यहाँ पे मैं चलिए आपको यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरह से आप मैसेज भेज सकते हो किसी को। तो यहाँ पे आप मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मुझे यहाँ पे किसी को मैसेज भेजना है, सिंपली से जिसे भी मुझे मैसेज भेजना है तो सिंपली से अपने आई को वहाँ पे ले जाके, तो जैसे देखा मेरा आई, जैसे वहाँ पे मैंने आई को अपने आई को ले जाके ब्लिंक किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिर से ओपन हो गया। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको सिंपली से हाई लिख के दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख लिया दोस्तों मैंने किस तरह से अपने आई के थ्रू यहाँ पे मैंने हाई लिख दिया। तो सिंपली से मुझे अब यहाँ पे सेंड करना है, सिंपली से फिर से अपने आई को वहाँ पे ले जाना है कर्सर के थ्रू एंड यहाँ पे बस उसे हमें मूव करके सिंपली से, जैसे ही देखा मैंने अपने आई को ब्लिंक किया देन यहाँ पे ऑटोमेटिक से मैसेज सेंड हो गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से मैं अपने आई से अपने फ़ोन को कंट्रोल कर सकता हूँ इस ऐप के मदद से। तो अब चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से आप अपने आई से इस ऐप के मदद से अपने फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हो, तो क्या कुछ सेटिंग वगैरह आपको करना है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले वो करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड कर लेते हो तो कुछ इस तरह का आपको ऐप का लोगो वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो चलिए अब इसे आप ओपन करते हैं, देखते हैं क्या कुछ सेटिंग वगैरह हमें इनेबल करना है। तो सिंपली जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ परमिशंस वगैरह, यहाँ पे कुछ पॉलिसीज वगैरह लिखा रहा है, तो सिंपली अगर आप चाहते हो तो पढ़ सकते हो। मैं तो यहाँ पे बस सिंपली से यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद फिर से मुझे एक परमिशन मांग रहा है, तो सिंपली से फिर से मुझे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद सब कुछ फटाक फटाक से मैं अलाउ कर देता हूँ। अलाउ करने के बाद देख यहाँ पे मुझे एक और अलाउ मांग रहा है एसेबिलिटी सेटिंग के थ्रू, तो इसे भी मुझे इनेबल करना होगा। तो सिंपली से यहाँ पे इसे ओपन एसेबिलिटी सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही दोस्तों ये आपको एसेबिलिटी पे ले जाएगा, देन यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉल्ड सर्विस आपको लिखा है यहाँ पे कुछ आ रहा है। तो सिंपली से यहाँ पे आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो EVA फेसियल माउस यहाँ पे आ रहा है, ये अभी ऑफ शो कर रहा है। सिंपली से सबसे पहले मुझे इसे ऑन करना है, तो यहाँ पे ऑफ है तो सिंपली से मैं इसे ऑन कर देता हूँ। ऑन करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये मुझे डायरेक्टली से रिडायरेक्ट कर दिया अपने एप्लीकेशन पर। सिंपली से यहाँ पे आपको कुछ फिर से इंटरफेस वगैरह आ रहा है, तो सिंपली से आपको एक नेक्स्ट लिखा मिल रहा है, तो सिंपली से बस आप यहाँ पे क्लिक करके इसे नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपने फेस को बस अपने कैमरा इधर बस अपने आप इधर देखो एंड ये आपके फेस को डिटेक्ट करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है। तो फिर से आपको यहाँ पे नीचे देखने को नेक्स्ट इसे आपको नेक्स्ट करना एंड देन यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ सेंसिटिविटी एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिला। तो सिंपली से आप अपने जो कर्सर है तो यहीं से आपका जितना भी कर्सर का जो भी मूवमेंट होगा वो यहीं पे डिसाइड होगा। तो सिंपली से मैं आपको बेस्ट सेटिंग बताता हूँ, यहाँ पे आप दोनों को बस 8:8 कर दो। 8:8 करने के बाद सिंपली से यहाँ पे आपका हो चुका है कर्सर का मूवमेंट, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जैसे जैसे मैं अपने आई को ऐसे मूव कर रहा हूँ तो देन यहाँ पे कर्सर भी मेरा मूव हो रहा है। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कितना आसानी से मैं अपने आई के थ्रू इसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ। जैसे कि आप देखो, मैं यहाँ पे फिर से एक बार आपको ऐप ओपन करके दिखाता हूँ।
तो जैसे कि आप देख सकते हो मैम ने बस अपने आई को वहाँ पे ले गया एंड जस्ट मैम ने अपने आई को ब्लिंक किया देन यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये खुल के आ गया। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर वीडियो दोस्तों आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी, थोड़ी सी आपको मदद की होगी या आपके सवाल का जवाब दी होगी तो देन आप दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर देना। सो दोस्तों तब तक के लिए जान दे, इसी तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।